हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी जयराम ठाकुर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 15 अप्रैल से मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप्स एवं स्मार्टफोन्स वितरित किए जाएंगे। आपको पता होगा कि 2017-18 के बाद ये प्रोसेस रुक गई थी, उसके बाद कोविड आ गया, फिर ये नहीं डिले होता होता तो ये 2022 15 अप्रैल से लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स मेधावी छात्र छात्राओं को 2018-19, 19-20, 20-21 बैच को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपने ये पहले न्यूज़ चेक कर ली है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के 20,000 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में ही 2020-21 का जो बैच था उसको स्मार्टफोन्स वितरित किए जाएंगे। हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर यानी कि 15 अप्रैल से, आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था, तो उसी दिन यानी 15 तारीख को 15 अप्रैल से इसका आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को जो है लैपटॉप्स और फोन्स वितरित किए जाएंगे। इस बार जो लैपटॉप्स की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पिछली बार जो प्रीवियस ईयर लैपटॉप्स प्रोवाइड किए गए थे बच्चों को, उनकी जो फंक्शनिंग थी या उनकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी बेसिक थी। जो इस बार इन्होंने काफ़ी सुधार किया है, यानी कि जो लैपटॉप्स की कीमत रहेगी वो 40,000 के अराउंड रहने वाली है, तो जो लैपटॉप्स है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होने की उम्मीद है। शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 को के जो छात्र एवं छात्राएँ हैं उनको स्मार्टफोन्स ही वितरित किए जाएंगे। तो इसके आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी जैसे ही अगली नोटिफिकेशन आएगी इसके बारे में।